हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? श्याम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एकदम करारी जलेबी बनाने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल मैदा लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोम वाटर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी मिलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे बिल्कुल इस तरह से फेंटना है। दोस्तों, हमारा बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आप देख सकते हैं। जो शुगर है वो इसमें खमीर का काम करेगी। अचार जैसी रसीली जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परफेक्ट चाशनी बनाएंगे। मैं यहाँ पे 400 ग्राम चीनी ले रही हूँ और उसमें हम 200 ग्राम पानी ऐड करेंगे। यानी कि अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हो तो उसमें 1 कप पानी ऐड करना है। चाशनी को एकदम प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारी चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हम अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें अपना 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे। दोस्तों, लेमन हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी चाशनी है वो जमे नहीं। हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें अपना ऑयल गर्म करेंगे। लास्ट टाइम हमने घी में बनाई थी, आज हम ऑयल में ट्राई करते हैं। हमने अपने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। दोस्तों, मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक से मैं आपको फेंट के नहीं दिखा सकती, लेकिन इसे बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें जो एयर है वो अच्छे से फिल हो जाए। अब हम अपनी जलेबी बनाएंगे। अब हम अपने बैटर को एक कीप की हेल्प से अपनी बोतल में फिल करेंगे। हमें जलेबी को यहाँ लाके छोड़ देना है। इसे कितनी अच्छी शेप आई है। दोस्तों, आप शेप पे बिल्कुल भी ना जाएं, आप जैसे भी बने बस उसे कच्ची ना रहने दें। आप शेप पे ना जाएं, टेस्ट पे जाएं, टेस्ट एकदम अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, हमें इन जलेबियों को सिम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम अपने जलेबी को अपनी चाशनी में डिप करेंगे। हमारी जलेबी बनकर तैयार है, आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ये जलेबी बनाने जा रहे हैं तो इसमें 1 स्पून घी जरूर डालें और सेकंड जो आप बैटर बनाने जा रहे हैं उसे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ढककर जरूर रखें। और ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाने जा रहे हैं उसको सिम फ्लेम पर ही रखें। आप देख सकते हैं हमारी जलेबी एकदम परफेक्ट बनी है। अब मैं आपको एक खा के दिखाती हूँ। यम्मी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, जूसी बनी है। आप इन्हें ऐसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।